हेलो गाइस, यूरो 2020 का आज का मैच स्पेन वर्सेस स्वीडन के बीच में होने वाला है। तो चलिए इस मैच का न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना। क्यों इम्पोर्टेंट है? कंफर्म लाइनअप्स और फाइनल टीम्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा। और जो भी मैचेस मैं खेलता हूँ मैक्सिमम मैचेस की टीम्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ज्वाइन कैसे करना है? सिंपली जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। तो फिर से एक बार आपको नोटिफाई कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करना है? सिंपली जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और जो भी फाइनल टीमों का अपडेट लाइन हो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। अगर लिंक नहीं काम किया, मतलब लिंक पे क्लिक करो टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहे, तो सिंपली टेलीग्राम पे आके सर्च कर सकते हो @SerifMax सर्च करोगे आपके सामने SerifMax की चैनल दिख जाएगा। 24,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, अब भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो आप सर्च के थ्रू से भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लिंक के थ्रू से भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ईजी जो तरीका है वो है लिंक के थ्रू से ज्वाइन करना। सिंपली वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड से। स्पेन लास्ट 5 मैचेस में अनबीटन है, स्वीडन भी अनबीटन है, लेकिन स्पेन 2 मैच ड्रॉ 3 मैच विन करके आ रहे हैं। स्वीडन लगातार 5 मैच जीते हैं और 4 मैच में क्लीनशीट रखे हैं। लास्ट जो मैच हुआ था आर्मेनिया के खिलाफ वहाँ पे एक गोल खाए थे, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इन दो टीमों के बीच में स्वीडन और स्पेन में तो बहुत फ़र्क है। स्पेन बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, हेड टू हेड देख के आपको पता चल जाएगा। लास्ट 5 मैचेस में स्पेन 3 टाइम जीते हैं, स्वीडन ने सिर्फ एक बार जीते हैं और एक बार ड्रॉ किया था। लास्ट मैच हुआ था इन दो टीमों के बीच में 2019 पर, ये 2021 है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर चेंज हुए हैं और बहुत फ़र्क आ चुका है स्पेन के टीम में। खास करके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं इस सीज़न, और मेरे अकॉर्डिंग और ऑन द पेपर्स की बात करूँ स्पेन हाईली फेवरेट है। सो इस मैच में भी स्पेन फेवरेट है और मुझे लगता है क्लीन शीट भी रख सकते हैं स्पेन की टीम। उसका रीज़न है स्पेन के पास क्वालिटी डिफेंडर है, तो डिफेंड अच्छा करते हैं और थोड़ा लो स्कोर करते हैं, मतलब 1-2 गोल से ही जीतते हैं, लेकिन क्लीन शीट रखते हैं स्पेन। तो स्पेन के पास क्वालिटी है क्लीन शीट रखने का। सो मेरे अकॉर्डिंग 1-0 से स्पेन इस मैच में जीत सकते हैं। बोथ साइड अगर आपको स्कोर दिख रहे हैं तो स्वीडन के आप ज़्यादा स्ट्राइकर ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है स्पेन इस मैच में क्लीन शीट रख सकते हैं। तो 7-4 का ही आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करना है और स्पेन डेफिनेटली इस मैच में हाईली फेवरेट है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पॉसिबल लाइनअप, सारे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो पॉसिबल लाइनअप से स्टार्ट करते हैं स्पेन टीम से। गोल के बस में उनाई सिमोन खेलते हुए दिखेगा, डिफेंस में चेसर एस्पिलिकुएटो, ए लैपोर्टे, पाउ टोरेस, जॉर्डी एल्बा। मिडफील्ड की बात करूँ तो मार्कोस लॉरेंटे, रॉड्री, पेड्री। अटैकिंग में आपको जेराट मोन्नो, यहाँ पे अल्बर्टो मुराता और फारान तोरेस आपको खेलते हुए दिख जाएगा। तो इस टीम के पास और भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, जैसे थाइगो अलकांतरा हो गया, सर्जियो रैमोस तो इंजरी के चलते आउट हो चुका है यूरो 2020 से। सो बहुत सारे प्लेयर्स और भी है जो सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं और मतलब अच्छे स्क्वाड है स्पेन का, ठीक है। सो इस टीम के तरफ से ये जो टीम है इस टीम की तरफ से अभी रैमोस नहीं है, तो अल्बर्टो मुराटा आपको पेनाल्टी लेते हुए दिख जाएगा। अगर ये लाइनअप्स खेलते हैं तो आपको लॉरेंटे फ्री किक कॉर्नर लेते हुए दिख जाएगा। अगर यहाँ पे अलकांतरा खेलते तो वो लेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। एक साइड का कॉर्नर डेफिनेटली एस्पिलिकुएटो लेते हैं, ये चीज़ है। और जॉर्डी अल्बा बहुत ऊपर आ सकते हैं, क्रॉसेस बहुत अच्छा डालते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो इस टीम से टॉप पिक की बात करूँ तो अल्बर्टो मुराटा, रॉड्री, मार्कोस लॉरेंटे, चेसर एस्पिलिकुएटो, जॉर्डी अल्बा। डिफेंसिवली एबिलिटी से पाउ टोरेस बहुत अच्छा आपको करते हुए दिख सकते हैं। अगर आपको एक डिफेंडर ड्रॉप करना है एक्स्ट्रा मिडफील्डर अटैकर्स के लिए तो आप एम्ब्रिक लैपोर्टे को आप ड्रॉप कर सकते हो।
ऊपर जैरट मोरेने और फरान तोरेस का भी क्लब फुटबॉल बहुत अच्छा गया है इस सीजन, तो दोनों ही प्लेयर अच्छे टच में हैं, तो डेफिनेटली इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तीन में से ज़्यादातर प्लेयर्स आपको पिक करना चाहिए, यही आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, आपको अगर ऐसे प्लेयर चाहिए गोल करे ना करे आपको पॉइंट्स देना चाहिए 25+, तो रॉड्री को आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी टीम की। सो स्वीडन की बात करूँ गोलकीपर्स में, आपको रोबिन ओल्सन खेलते हुए आपको दिखेगा। डिफेंस में लुइस्टिंग है, यहाँ पे मार्कोस डैनियलसन है, विक्टर लिंडलॉप जो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे खेलते हैं, उसके साथ साथ लुइडिंग एगुस्टेशन आपको खेलते हुए दिख जाएगा जो बुंदेसलीगा में खेलते हैं। सो इस टीम के पास डिफेंडिंग में क्वालिटी है, ये दो डिफेंडर्स मैं सजेस्ट करूंगा, लुइडिंग एगुस्टेशन और विक्टर लिंडलॉप। दोनों प्लेयर्स के पास एबिलिटी है गोल करने का, हेडर में स्ट्रॉन्ग है, टैकलिंग इंटरसेप्शन भी अच्छा कर लेते हैं, और लुइडिंग एगुस्टेशन असिस्ट भी कर सकते हैं, क्रॉसेस बहुत अच्छा डालते हैं। तो ये दो डिफेंडर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ट्राई कर सकते हो अगर स्वीडन से कोई डिफेंडर लेना है तो। मिडफील्डर्स की बात करूँ तो लार्सन है, एकदाल है, ओल्सेन है, फॉर्सबर्ग है, ऊपर आपको मार्कस बर्क और अलेक्जेंडर ईशाक खेलते हुए दिख जाएगा। ईशाक लालीगा खेलते हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस इस सीजन रहा था, ईशाक बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे रियल सोसाइटेड की तरफ से खेलते हुए। फॉर्सबर्ग जर्मनी में खेलते हैं बुंदेसलीगा, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन होगा इस मैच में, और फ्री किक कॉर्नर आपको फॉर्सबर्ग लेते हुए दिखेगा, और पेनाल्टी देखो मार्कस बर्क की पेनाल्टी लेते हैं, इस टीम का मेन जो पेनाल्टी टेकर है, लेकिन अभी ईशाक का फॉर्म अच्छा गया है और पेनाल्टी लिए है इस सीजन क्लब के लिए, तो देखना पड़ेगा क्या ईशाक ले सकते हैं पेनाल्टी, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है। ठीक है, पेनाल्टी पे, लेकिन फ्री किक आपको फॉर्सबर्ग की लेते हुए दिख जाएगा। तो इस टीम से टॉप पिक की बात करूँ तो रॉबिन ओल्सन मास्टर पिक, डिफेंस में लिंडोला पॉगस्टेशन अच्छा है, लार्सन ओल्सन फॉर्सबर्ग मार्कस बॉक ईशियक, तो इनमें से इतना सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स, इनमें से ज़्यादा प्लेयर्स पिक करने की कोशिश करना। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरी टीम कॉम्बिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं टीम कॉम्बिनेशन। सबसे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर से कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक डेफिनेटली करना, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पास वाला बेल आइकन प्रेस करके रख लो, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, मतलब प्लेयर्स के बारे में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, क्योंकि आफ्टर लाइनअप जो भी फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, आफ्टर लाइनअप जो फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पे आएगा, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो गोलकीपर की बात करूँ तो मैं ओल्सन को पिक किया हूँ, डेविड डिया मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेगा, सिमोन खेल सकते हैं स्पेन की तरफ से तो आप उनको ले सकते हो। डिफेंडर्स चार लिया हूँ, और एक चीज़ नोट करना, स्पेन बहुत सारे चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल है, तो कन्फर्म नहीं है पॉसिबल लाइनअप्स उनमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो कन्फर्म लाइनअप्स के बाद ही वो पता चलेगा। सो जॉर्डी आल्बा को पिक किया हूँ, ऑगस्टेशन का मैं ऑप्शन ऑलरेडी बता दिया हूँ, अगर स्वीडन की तरफ से लेना है ले सकते हो, सिलेक्शन बहुत हाई है। एस्पिक्रिटो लिया हूँ, लैपोर्टे लिया हूँ, और मैं क्लीन शीट अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे मैं पाओ तोरेस को पिक किया हूँ, सिर्फ 6% सिलेक्शन है लेकिन अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। एक और प्लेयर है यहाँ पे लिंडलॉप, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे 60% सिलेक्शन है, स्वीडन की तरफ से आपको खेलते हुए दिख जाएगा। अगर आपको बोथ साइड स्कोर या स्वीडन फेवरेट लग रही है तो ये दो डिफेंडर्स को जरूर से ट्राई करना, लिंडलॉप और ऑगस्टेशन। मिडफील्डर्स की बात करूँ तो फॉर्सबर्ग लार्सन लॉरेंटे, और यही तीन मैं प्लेयर्स को लिया हूँ, थाइको अलकांत्रा अगर खेलेगा तो लॉरेंटे शायद नहीं खेलेगा, तो ये चीज़ है क्योंकि फ्री की कॉर्नर यही दो में से करते हैं। चेल्सन का ऑप्शन अगर खेलते इंपॉर्टेंट होगा, बुस्केट्स आउट हो चुका है तो लेने की जरूरत नहीं है। एकदल का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, एक और प्लेयर है जो 30 पॉइंट के आसपास दे सकते हैं ईजिली, रॉड्री, तीन को भी आप ट्राई कर सकते हो, टैकलिंग इंटरसेप्शन बहुत अच्छा करते हैं। स्ट्राइकर की बात करूँ तो मैं मुराटा ईशाक फरान तोरेस को पिक किया हूँ, रिसेंट फॉर्म ईशाक का बहुत अच्छा है कॉम्पेयर टू बर्क, लेकिन बर्क पेनल्टी ले सकते हैं तो फ़ायदा दे सकते हैं, सिलेक्शन भी ज़्यादा है बर्क का, तो अब ईशाक के प्लेस पे बर्क ले सकते हो, अभी मैं ईशाक को ही पिक किया हूँ। अगर ईशाक बर्क किसी को नहीं लेना है तो ड्रॉप करो ईशाक और बर्क में से जो भी ले रहे हो, और आप एक्स्ट्रा डिफेंडर ऐड कर सकते हो जैसे ऑगस्टेशन हो गया, लिंडलॉफ हो गया, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है स्वीडन कुछ भी नहीं करेगा तब ये कर लेना। ठीक है, सो ये मेरा टीम है, एक चेंज आप कर सकते हो फरान तोरेस के प्लेस पे जेरार्ड मोरेने, लेकिन मैं फरान तोरेस का रिसेंट फॉर्म बेटर है कंपेयर टू मोरेने, इस वजह से मैं मोरेने को प्लेस पे तोरेस को लिया हूँ। अगर आपको दोनों को लेना है तो ईशक ड्रॉप करो, एक डिफेंडर ड्रॉप करो, और पिक करो तीनों ही स्ट्राइकर को स्पेन की तरफ से, तब हाई स्कोरिंग आपको अगर दिखना है, मतलब लग रही है तभी लेना। ठीक है, सो ये मेरा टीम है, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होगा कैप्टनसी वाइस कैप्टन का चॉइस पहले बता देता हूँ, मोराटा मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरा जॉर्डी अल्बा है।
चॉइस की बात करूँ, एस्पिलिकेटो बहुत अच्छा चॉइस है एज ए वाइस कैप्टन मिडफील्डर्स में, लॉरेंटे बहुत अच्छा चॉइस है, दूसरी टीम से फोर्सबर्ग अच्छा चॉइस है, फेरान टोरेस को भी आप बना सकते हो। सो मेरा कैप्टन मोराटा वाइस कैप्टन, यहाँ पे डिफेंडर्स में जॉर्डी अल्बा, तो ये मेरा टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते, कुछ भी अपडेट आते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, अपटा लाइन अप फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो फ्रेंड्स के शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।